हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपने लैब से। तो आज मैं बना रहा हूँ यूसीएस सैंपल, तो आपको दिखाते हैं। ब्लैक कॉटन सोयल है, ये आर एन इंडस्ट्री का एड मिक्सचर है, ये NaOH है, ये NaOH सोडियम सिलिकेट का मिक्सचर है। तो फर्स्ट मुझे दो सैंपल बनाना है NaOH मिला के, तो वो कैलकुलेट कर लिया हूँ कितना कितना NaOH मिलाना है। और सेकेंड दो सैंपल बनाना है NaOH और सोडियम सिलिकेट का एड मिक्सचर। और ये हमारे भाई लोग हेल्प कर रहे हैं, ये UCS सैंपल मोल्ड है। तो अभी देखिए, इसमें मैं NaOH मिला दिया हूँ। तो NaOH मिलाने के बाद इसको प्रॉपरली मिक्स करना होता है, और ग्लव्स इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि NaOH है केमिकल, तो थोड़ा जलन से फील होता है अगर हाथ में लग गया तो इसलिए देखिए ये NaOH मिला दिए हैं। इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं वाटर, और वाटर की क्वांटिटी है 14.25। ये पहला सैंपल है, फर्स्ट टाइम मैं UCS सैंपल बना रहा हूँ। तो भाई लोग, अब मैं लेने वाला हूँ वाटर का वेट। तो ये हो गया जीरो, मुझे वाटर चाहिए 14.25 ग्राम। यह है एक्सट्रैक्टर मशीन, यहाँ से सैंपल एक्सट्रैक्ट करेंगे UCS सैंपल। ये UCS का मोल्ड, इसमें क्या करते हैं, करने से पहले इसमें ऑयल लगा देते हैं जो कि प्रॉपरली सैंपल अच्छे से एकदम फिनिशिंग अच्छा हो सैंपल का, और इजीली सैंपल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो हमारे इधर सैंपल मतलब सॉइल मिक्स प्रॉपर हो गया है, अब हम मोल्ड करते हैं इसको। नीचे लगा दिए, ओके। मॉल्ड में सैंपल हो गया है, अब हमें सैंपल को एक्सट्रैक्ट करना है। ये है एक्सट्रैक्टर मशीन, इसको सैंपल को इस पर ऐसे लगाते हैं। फर्स्ट इसको करना है अब ऑन, तो ये ऑन हो गया है और ये भी ऊपर आ रहा है, आपको दिखाएंगे। ये देखिए आ गया ऊपर, तो इसको फिर करना है ऑफ। फिर इसमें जो ये है इसको ऐसे प्लेस करना है ब्रो। तो ये हो गया प्लेस, उसके बाद हमें इसको लगाना है ऊपर यहाँ पे, इसको करना है टाइट। तो गाइस ये हो गया टाइट, अब इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। ये ऊपर आएगा, हमारा सैंपल निकलेगा, हमें देखना है कि हमारा सैंपल कैसा है, प्रॉपर फिनिशिंग अच्छी है, प्रॉपर अच्छे से आ रहा है कि नहीं। तो भाई इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करते हैं हल्का सा घुमा के ऐसे। गाइज ये है अपना सैंपल, इसको देखने के बाद ना जो रिलैक्स फील होता है ना, कितना अच्छा लगता है, कितना फिनिशिंग इतना अच्छा आया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा फेवरेट टेस्ट है, ये स्पेसमेंट बनाने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए क्या फिनिशिंग आई है, एकदम मस्त, एकदम प्रॉपर, एकदम अच्छे से स्पेसमेंट बना है। तो इसको देखने में एकदम रिलैक्स फील होता है, सारा मेहनत जो होता है ना सैंपल बनाने में, जब इसको देख लेते हैं ना एकदम अच्छा से बना है 100% एकदम, तो बहुत अच्छा लगता है गाइज। तो अब इसको रखते हैं इसमें, फिर उसके बाद 7 डेज एंड 28 डेज के बाद इसका टेस्ट करते हैं। इसको रखने के बाद हम इसमें से एयर को रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद इसको लॉक कर देते हैं। ये दो सैंपल बन चुके हैं जिसमें NaOH केवल ऐड किया हुआ एक्टिवेटर, अब दो बनाना है, उसमें हमें NaOH और सोडियम सिलिकेट दोनों को मिलाना है। तो यह सॉल्यूशन NaOH और सोडियम सिलिकेट दोनों मिक्स है, तो इसके में दो स्पेसमेंट तैयार करना है, तब उसका वेट लेते हैं। भाई इसमें हम बाइंडर को मिला दिए हैं, मतलब एडमिक्सर को, अब एक्टिवेटर मिलाते हैं। तो ये है सोडियम सिलिकेट एंड NaOH का सॉल्यूशन,
तो इसको हमें लेना है 12 ग्राम, तो इसको करते हैं मेजर। तो गाइस इसको मिलाते हैं अब। जब इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बबल मतलब गोले गोले हो जाते हैं, तो उसको आप प्रॉपर हैंड से भी फोड़ करके प्रॉपर होमोजेनियस मिक्स कर सकते हैं, बट आप प्रॉपर ग्लव्स लगा कर, क्योंकि आप केमिकल ऐड कर रहे हैं तो प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। तो गाइस फाइनली यूसीएस के चारों स्पेसिमेन बन गए हैं, चारों सैंपल प्रिपेयर हो गया है। ये है सोडियम सिलिकेट एंड एनओएच के मिक्सर का, ये दो सैंपल, और ये दो सैंपल हैं मनली एनओएच एक्टिवेटर में लाया गया है। तो अब चलते हैं, सबको सर के पास देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं हॉस्टल। तो गाइस जब आ गया हूँ रूम पे, क्या है कि एनएओएच का सोल्यूशन मैंने बनाया था ना, तो सर ने जितना बोला था उतना ही बनाया था, तो मैंने 4 सैंपल बना लिए, फिर भी सोल्यूशन बच गया। और सोल्यूशन ऐसा है कि आप अगर एनएओएच का सोल्यूशन बना दिए ना, तो उसको 24 आवर्स के अंदर उसको यूज़ करना होता है। तो सर ने बोला यार इतना बचा है तो 2 सैंपल और बना दो, 2 स्पेसिमेन। तो अभी शाम को चलेंगे, अब 3-4 बजे, 3 बजे करीब चलेंगे, 2 स्पेसिमेन और बनाना है। तो अभी करते हैं थोड़ा सा आराम। तो भाई शाम को बज रहे हैं, 6 बजने वाले हैं, और ये मैं कर रहा हूँ लैब वर्क। केमिकल ये ज़्यादा बन गया था, इसको 24 घंटे के अंदर यूज़ करना होता है। तो मैं दोपहर में खाना खाया, नींद आ गई, सो गया, फिर मैं उठा 4 बजे, मैंने कहा वो भाई अभी तो टेस्ट भी करना है, 24 घंटे के अंदर यूज़ करना है, कल शाम को प्रिपेयर किया था ये केमिकल, ये सॉल्यूशन। तो अभी एक सैंपल बन गया, ये लास्ट सैंपल है, इसके बाद रिलैक्स होगा, बस बनाते हैं फटाफट। But then you like it like that. It's like giving time, the conversation changes, and I want you right back. So this is next day. हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं बाईएक्सियल का टेस्ट। तो गाइस आज पूरे दिन चलता रहा बाईएक्सियल सेक टेबल का डेमो, वो हो गया ख़त्म। तो उसके मतलब टेस्ट से पहले पूजा करते हैं इसलिए, क्योंकि इतना महंगा मशीन है और उसको बहुत मेहनत से उसको असेंबल किया गया, प्रॉपर सेट किया गया रूम में, उसको टेस्ट से पहले उसको पूजा किया गया, पूजा के बाद उसको डेमो बताया गया कैसे करते हैं। तो डेमो हो गया ख़त्म, उसके बाद आया था थोड़ा डिस्पेंसरी दवा लेने, ये हमारे पूरन भाई साहब हैं छत्तीसगढ़ से। तो अभी बारिश हुई, मौसम एकदम मस्त हो गया है, तो अब थोड़ा अब चल रहे हैं हॉस्टल थोड़ा। तो गाइस इस ब्लॉग में केवल मैं यूसी सैंपल दिखाया और सेक टेबल, क्योंकि 2 दिनों से यही चल रहा है, कल मैंने सुबह से शाम यूसी सैंपल ही बनाया, और आज क्या हुआ कि बाईएक्सियल सेक टेबल वही चलता रहा सुबह से शाम। तो कहाँ कहीं गए नहीं, तो ब्लॉग उतना हुई नहीं, जो हुआ मैंने वो दिखा दिया आपको। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।